सो हाय फ्रेंड, मैं हूँ आपके एसके और आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो ये साइंटिफिक असिस्टेंट जो कि डीएई के वेरियस डिपार्टमेंट में, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जैसे कि हाई वाटर बोर्ड, चाहे वो आईजी कार का हो, चाहे फिर बीआरसी मैसूर का हो। ओके, तो यहाँ पर इस सबको बात करेंगे। हाँ, आई नो हेयर ऑल हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टूडेंट्स आर देयर, सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ओके, सो ऑल क्वेश्चन मस्ट बी सेड इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन हिंदी। ओके, सो डेफिनेटली डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरी लिटिल बिट ऑफ पॉसिबल इन द माई सेंस। ओके, तो हम वहाँ पर हर एक कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या पूछे थे। ओके, व्हेन समवन क्वेश्चन ऑल्सो इन हिंदी एंड हिंदी इंग्लिश। ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ओके, सो इफ यू गो ऑन द फर्स्ट थ्रू द एंड, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक रिटेन का ही बात करूँगा एंड इंटरव्यू को। ओके, जो लोग नए कैंडिडेट हैं खासकर, ओके, तो वो कैंडिडेट आप उनके लिए बहुत यूजफुल होगा, खासकर जो सिविल वाले। क्या है कि वो एक स्टेट गवर्नमेंट में फंसे रहते हैं, दे आर ट्राइंग टू रेलवे, एनटीपीसी एंड एसएससी लाइक दैट। ओके, बट इफ यू अप्लाई फॉर आईजी कार एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट थ्रू द सिविल इंजीनियरिंग, इट इज़ ईजी टू क्रैक, बिलीव मी। आई नो वैकेंसी आर वेरी लेस, बट ईजी टू क्रैक, प्लीज बिलीव मी, बिकॉज दीज आर नॉट माई फीडबैक, दे आर ऑल्सो फीडबैक गिवन बाई दैट कैंडिडेट हु इज शेयर आवर एक्सपीरियंस विथ मी। ओके, एंड ऑल्सो शेयर विथ ऑल ऑफ यू। ओके, सो एन्जॉय एंड ऑल्सो डेफिनेटली विल हेल्प यू ऑल्सो इन इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो इफ यू समवन अदर गाइज हु इज वॉचिंग माई वीडियो, मतलब दैट मीन अदर ब्रांच। ओके, से हेयर आई कैन से वाट आर द मिस्टेक टेकन बाई हिम एंड सम एडवांटेज, वाट आर द एडवांटेज, दैट मीन प्रॉपर्टी विच इज यूजफुल एंड यू कैन टेक फ्रॉम मी। ओके, सो हम लोग बात करते हो। देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, चाहे कोई बी आर सी हो, चाहे हाई वाटर हो, वो लोग ये नहीं पूछते कि आपका गिव मी योर इंट्रोडक्शन, प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन। ओके, ऐसे नहीं बोलते हैं, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, ये लोग ऐसे नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं। तो इस स्थिति में आपको कोई नहीं बनता है, जस्ट टेल हिम वाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, दिस टाइप ऑफ लाइक दैट। ओके, सो अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको आंसर ये देना है, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू अबाउट माई सेल्फ, दैट मीन इंट्रोडक्शन। ओके, तो आप बता सकते हैं कि सर थैंक यू, आप मुझे इंट्रोडक्शन देने का मौका दिए, और उसके बाद आपको अपना नाम पता जो भी है उन्हें बताना है। ओके, सो ये चीज़ बहुत ही अच्छी स्ट्रैटी है, जो कि मैं भी मुझे नहीं पता था, लेकिन दिन पे दिन क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ कम करते हैं तो एक्सपीरियंस आता है और बोलते हैं ये चीज़ सही है। ओके, तो दैट्स वाई आई ऑल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग विल बी बेटर। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर किसी से इंट्रोडक्शन दे रहा, पूछ रहा, तो आप उसको थैंक्स कहे ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो देखिए, ये सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से थे, तो सबसे पहले इनसे क्या हुआ कि ये गए और पूछे कि आप पे, मतलब देखिए, आप वहाँ जाएगा तो सबसे पहले ये नहीं क्वेश्चन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि फेमिलियर होने के लिए, कि भाई लड़का जो है नॉर्मल हो जाए, कैंडिडेट नॉर्मल हो जाए, दे डिडेंट हेडिटेट एंड डिडेंट फील लाइक फियर। ओके, तो ऐसा ना हो, इसके लिए वो लोग थोड़ा बहुत नॉर्मल पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपने इसके आप हाई वाटर बोर्ड के बारे में कैसे जाना, ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत पूछते हैं, कैसे भरा, आपको यहाँ क्या अच्छा लगा, ये सब थोड़ा बहुत पूछते हैं, यहाँ क्या कॉमन है, इससे थोड़ा बहुत आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, ये कोई मान नहीं, लेकिन आपको आंसर अच्छे से देना। ओके, तो ये गए उनसे, सबसे पहले पूछता है कि आपने डिप्लोमा, सबसे पहले डिप्लोमा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा। तो देखिए, आपको जैसे ही पूछा जाएगा कि देखिए, यहाँ पर ये नहीं पूछे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, लेकिन ये पूछे कि डिप्लोमा में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा, दैट मीन आपको आंसर वही देना है जो आपको फेवरेट है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर बताना शुरू कर दीजिएगा जो आपको फेवरेट है। इफ यू वांट टू टेल अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन देयर, बट माई सजेशन, बिकॉज इट इज़ ए फुल्ली रिक्वायरमेंट इज इंटरव्यू बेसिस, सो यू कैन ओनली प्रजेंट योर आंसर ओनली इन टेक्निकल फॉर्म। ओके, सो बी क्यूरियस, केयरफुल। ओके, तो ये लोग बताएं बिल्डिंग मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसओएम दैट मीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड सर्वेइंग एंड सॉइल मैकेनिक्स, ये जो बताएं। तो ओके, तो पहले इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप
साइट पे है, ठीक है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये सीमेंट अच्छा है कि नहीं। जैसे कोई जैसे पूछेगा हाउ डू यू नो अबाउट अबाउट गुड सीमेंट व्हेन यू हैव ऑन द साइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये सब पूछा गया था, तो इन्हें बहुत ही अच्छे से बताए हैं। देखिए मैं सिविल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, सो इनका जो आंसर ये दिए हैं वही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ओके, अगर आपको लगता है इससे भी अच्छा आंसर होता है तो आप यहाँ पर पुट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो, क्योंकि ये आंसर दिए हैं दे आर सेलेक्टेड इन हैरी पॉटर बोर्ड एंड, तो आपको सीखनी चाहिए इनसे बहुत ही अच्छे से। इनके जो बोलने की कला था, मतलब वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी गुड एंड आई ऑल्सो से इट्स वेरी गुड। ओके, तो ये ने बताया कि सर आपको सबसे पहले कोई भी सीमेंट को अच्छा पहचानना है तो क्या करना है, आपको जो बैग होता है सीमेंट बैग उसके अंदर हाथ डालना है। जस्ट पुट योर हैंड इन द हैंड बैग सीमेंट बैग इफ यू फील कोल्ड, इफ यू फील कोल्ड दैट मीन गुड सीमेंट जो है ना वो अच्छा है। एंड फिर दूसरा क्या करना, आप उसको सीमेंट को हाथ पे रख के रब करना है, रगड़ना है, अगर वो चिकनापन होता है या फिर दैट मीन फील लाइक स्मूथ, फिर उसको बाद उसका तो भी सही है, फिर उसको कलर से पहचाना जाता है ये कलर कैसा है, ठीक है। और अगर कलर से पहचान, अगर वो चिकनापन करते हैं वो ढेला ढेला नहीं बनता, मतलब लम्ब टाइप का नहीं बनता, तो वो भी सही होता। ओके, फिर इनसे पूछा जाता है व्हाट इज कंक्रीट एंड विच कंक्रीट हैव रेडी मिक्स, कंक्रीट क्या है, ठीक है, कौन कौन से कंक्रीट जो रेडी मिक्स बनने होते हैं क्या, ऐसे पूछा जाता है। वहाँ पूछते हैं कि कंक्रीट के रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में सुने हैं आप, कोई है ऐसा कंक्रीट, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, बहुत ही मतलब लोकल टाइप का लैंग्वेज होता है ना उस तरह से पूछते हैं, जैसे कि हम लोग प्राइवेट कंपनी का जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का नहीं पूछते हैं, भाई व्हाट इज दिस टाइप लोग हैं, वो पूछते हैं कंक्रीट के बारे में नाम सुने हैं आप, रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में नाम सुने कि नहीं, वो जानते हैं कि नहीं, तो बोले कि यस RMC होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, जो कि आपके रोड पे देखे होंगे जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग या रोड बनता है तो एक जो बस नहीं आता ट्रक आता ना जो गोल गोल घूमते रहता है उसका हमेशा, वो रेडी मिक्स कंक्रीट। ओके, मैं भी मुझे भी इनको से काफ़ी सीखने का मौका मिला। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जब आप साइट पे हैं तो आप ये कैसे पता कीजिए कि इतना लोकेशन में आपको इतना सीमेंट लगेगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा व्हेन यू हैव ऑन द साइट हाउ मच अमाउंट ऑफ सीमेंट विल रिक्वायर्ड फॉर द सर्टेन क्यूबिक मीटर, मतलब इतने सर्टेन हमें काम करने के लिए कितने क्यूबिक मीटर हमें सीमेंट लगेगा इस टाइप को, तो ये आंसर नहीं दे पाए थे। और देखिए ये जब आपको कोई आंसर ना पता हो तो आप कह सकते हैं आई रिग्रेट सर, मैं इस समय याद नहीं आ रहा था, मैंने पढ़ा था लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा था। देखिए या बोल सकते हैं कि सॉरी सर अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा था लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा। इससे ये शो करता है ना कि भाई वो मानते हैं कि देखो कुछ चीज़ें आप वहाँ पढ़े हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो मानते हैं समझते हैं कि भाई ये देखिए वो जो इंटरव्यू पैनल है ना वो नॉर्मल पैनल नहीं है, पहले आपसे क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे डजेंट मैटर, लेकिन वो नॉर्मल पैनल नहीं है, वहाँ पर 10 लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें 4-5 लोग पूछते हैं, बाकी 4-5 लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके बिहेवियर, बात करने की कला, आपके लिखने की कला, आपकी बोलने की कला, ठीक है, आपकी सोचने की कला, वो हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, प्लीज़ बिलीव मी। तो आप कोई भी छोटा सा छोटा क्वेश्चन है आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है आप उससे कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए उनके क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है ना एकदम छोटे लेवल से शुरू करेंगे और उससे बहुत ही बड़ा लेवल तक ले जाएंगे, और आपको तब तक पूछेंगे जब तक आप सरेंडर ना करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस सारे क्वेश्चन तो हमें वो भी नहीं बता पाए कि क्या क्या है, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, करीब 30 मिनट तक इंटरव्यू चला है, और ठीक है तो ये बताया गया था, तो फिर ये आंसर नहीं दे पाए। फिर पूछा गया था कि एसओ में से पूछे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसको बोला था कि मोहर सर्कल क्या है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा यार कि मोहर सर्कल बोल रहे थे या कुछ और, तो आप करेक्ट होगा तो करेक्ट बताइएगा या फिर सही मैं बोल रहा हूँ तो कॉमेंट करके बताइएगा। ओके, तो पूछा गया था मोहर सर्कल व्हाट इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विच कंडीशन डिड नॉट रिक्वायर्ड नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल सर्कल एंड मेक सियर मोहर सर्कल, ठीक है, मेक फर्सी। ओके, मतलब इनसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहर सर्कल क्या है, उसमें सियर स्ट्रेस स्ट्रेन कब जरूरत नहीं पड़ता है नॉर्मल सर्कल के लिए, ठीक है, तो ये एक ब्लॉक बनाए थे, ब्लॉक के थ्रू एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, तो बहुत अच्छा था। वहाँ कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही होता है कि आपको बताना भी है और आपको बोर्ड पे लिखना भी है, दोनों वहाँ पर ही करना होता है। ओके, और वही कीजिएगा दोनों, ठीक है। तो इनसे पूछा गया था जैसे कि एक की मैक्सिमम सियर स्ट्रेस जो है ना वो कहाँ लगता है, तो इन्होंने बताया था वाई एक्सिस पे लगता है। ओके,
देखिए जहाँ तक मुझे देख रहा हूँ कि सीयर स्ट्रेस स्ट्रेन ये आपको बीटेक वाले कैंडिडेट हो तो उनसे ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लोग मैक्सिमम पता नहीं क्यों एक्सप्लेन अच्छा से नहीं कर पाते हैं या फिर पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इवन मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, ठीक है समटाइम्स। फिर इससे पूछा गया कि सपोज आप मानिए कि आपके पास एक बीम है, उस पर लोड अप एक बीम उस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा। सपोज यू हैव ए बीम एंड अप्लाइंग लोड ऑन इट, सो वेयर इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी डेवलप। ओके तो अच्छा आंसर बहुत ही अच्छे से दिया था, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी डेवलप ऑन द बॉटम एंड सेम एट द टॉप वेयर यू आर अप्लाइंग, मतलब आप टॉप पे भी लगेगा एंड बॉटम पे भी लगेगा, और जहाँ मतलब आंसर तो डायरेक्ट होगा कि भाई बॉटम पे लगेगा, लेकिन जहाँ पर आप टॉप पे हैं वहाँ पर लगेगा, जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं ओके वहाँ पर भी लगेगा। तो ये पूछा इन्होंने, फिर पूछ इन्होंने बताया अपने से, यहाँ तक नहीं इनसे आगे भी बताएं कि सर जो बॉटम पे है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ लगेगा एंड टॉप पे जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगेगा, ठीक है। फिर आगे पूछते हैं हाउ कैन यू ड्रा ऑन, मुझे भी याद नहीं आ रहा यार क्या लिखा था, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे थे ओके ये क्वेश्चन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। वो फिर पूछा गया था कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है ना वो बीम में कहाँ पर जनरेट होता है, फिर पूछा गया था वेयर इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी जनरेटेड इन द बीम। इन्होंने आंसर दिया था सपोर्ट, जो सपोर्ट होते हैं वहाँ पर ही लगता है ओके। आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो उससे क्रॉस क्वेश्चन आते रहेंगे समटाइम, कभी कभी मैं हाई वाटर बोर्ड में देखा कि आपको मौका नहीं देते हैं कि एक आंसर दिए तुरंत दूसरा पूछ देते हैं, समटाइम एक पूछे दूसरा पूछ दिए, तो इन्जॉय कीजिएगा, आपको इसमें घबराना नहीं है, इन्जॉय कीजिएगा ठीक है। वो लोग बहुत ही क्यूरियसली पूछते हैं ठीक है, तो उसको अटेंशन से आराम आराम से आपको जवाब देना है, एक का जवाब देना उसको दूसरा का जवाब देना ठीक है। लेकिन BRC में ये चीज़ नहीं था यार, बहुत ही अच्छे से था जब मैंने दिया था, एक पूछते थे जब आंसर मैं दिया उसके बाद दूसरा पूछते थे, तो बहुत ही अच्छा प्रोसीजर था ओके। तो ये हो गया, फिर था कि पूछा गया कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर लगता है एंड क्यों, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी वेयर इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड वेयर एंड वाई, ठीक है। तो इन आंसर ये दिए थे, बहुत ही अच्छे से दिए थे, मुझे आंसर बताया नहीं है लेकिन आप जानते हो तो अच्छे से बता दिए। फिर व्हाट इज कंपैक्शन, ऐसा कुछ पूछा गया था इनसे, तो ये बताएं कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच एयर रिमूव थ्रू द सॉयल, यह एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल से एयर रिमूव होता है और वॉल्यूम घट जाता है, उसको बोलते हैं कंपैक्शन ओके। एंड फिर पूछा गया था कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन क्या है, तो इन्होंने बताया था कि व्हेन वाटर इज रिमूव फ्रॉम द सॉइल एंड वॉल्यूम डिक्रीज इट्स कॉल्ड द कंसोलिडेशन, कहने का मतलब है कि जब एयर रिमूव हो रहा है प्रोसेस में तो हम उसको बोलते हैं कंपैक्शन ठीक है, लेकिन जब वाटर रिमूव हो रहा है ठीक है, जब सॉइल से अगर वाटर रिमूव हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ठीक। फिर पूछा गया था टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन, तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया था, इनिशियल प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ही से ही आर सेइंग दैट इंटरव्यू पैनल ट्राइंग टू कंफ्यूज लाइक जस्ट जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज नो दिस इज, मतलब वो पूछे कि इनिशियल इनिशियल कंसोलिडेशन क्या है, प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या है, इन्होंने इनिशियल कंसोलिडेशन का बताया, व्हेन सडनली अप्लाई प्रेशर ऑन द सॉयल एक्सेस पावर वाटर प्रेशर एस्केप थ्रू सॉइल एंड वॉल्यूम डिक्रीज इज कॉल्ड द इनिशियल कंसोलिडेशन। इन्होंने बताया कि आप अचानक से कोई भी सॉइल पे लगाते हैं ठीक है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो जो एक्सेस पावर का वाटर का प्रेशर है वो क्या होता है, वहाँ से निकल जाता है एंड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है ठीक है। तो ये इनका क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू ठीक है, और इनकी बात करने की कला बहुत ही अच्छा था ठीक है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो बोल रहे हैं, आप भले 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दीजिए, लेकिन आपकी बोलने की कला, आप जो बता रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ये बोर्ड पे लिखाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जो लिखने राइटिंग स्किल जो है करने का, मतलब जो लिखे वो सुंदर दिखे, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा सभी ब्रांचों की, मैं ये बोल रहा हूँ ओके। और फिर ये थोड़ा बहुत ये पूछते हैं कि जैसे कि ये 2017 में पास आउट होते हो क्या, 2021 में जॉब होता है इनका, तो पूछते हैं कि आप इतनी गैप के आपने क्या किया, तो
तो अगर आप भी गैप किए हैं 2 साल 3 साल 4 साल, ये क्वेश्चन आपसे नॉर्मल है, ऑब्वियस है, वो पूछेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बहुत आसानी से बता सकते कि सर मैंने ये किया, आप कुछ नहीं किए तो भी बता सकते हैं, आप कुछ नहीं किए तो उसका रीज़न बता दीजिए कि सर ऐसे ऐसे कंडीशन फंस गया था तो मैं नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं मुझे ये नहीं है, मुझे और कुछ करना है, ठीक है, तो आप वो बता सकते हैं, ठीक है। बी जेन्यून, बी ऑनेस्ट, ओके, इन फ्रंट ऑफ ऑल द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये पास्ट रिकॉर्ड से नहीं देखते हैं यार, इंटरव्यू में कितने सच्चाई से बोल रहे हैं, कितने ईमानदारी से बोल रहे हो, क्योंकि ये ऐसा ही जॉब ही है यार, मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिटर्न पेपर की, तो बोले कि देखो इन्होंने बोला कि मैं जब रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था उसके 6-7 महीना पहले से अपना जो ब्रांड पेपर है पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि ये लोग भी NTPC रेलवे का जो भी होता है वो फॉर्म भरे थे, तो वो लोग अप्लाई किए थे उसमें, तो वो लोग अप्लाई किए तो उन्हीं पे फोकस था, लेकिन सेम डे एग्ज़ाम पड़ गया था, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि RRB NTPC तो 3 साल 4 साल में ज्वाइनिंग करवाता है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसका एग्ज़ाम दूंगा, और इनका एग्ज़ाम लखनऊ में हुआ था, मतलब मैं पहली दफ़ा ये सुना कि हाई वाटर बोर्ड का जो सेंटर है उससे बाहर ये लोग ले रहे हैं, ठीक है। समटाइम ऐसे मुंबई, भुवनेश्वर और कोलकाता, तूतीकोरिन ये सब में, चेन्नई ये सब में होता है, लेकिन लखनऊ में भी हो सकता है कोविड लॉकडाउन की वजह से वो लोग बोले कि चलो इजी पड़ जाए, स्टूडेंट भी ज़्यादा होते हैं सिविल में, भले वैकेंसी कम होती है लेकिन होते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्वेश्चन इंटरव्यू का प्रोसेस था, आप मुझे बताइएगा कि मुझे बताने का क्या तरीका था, ठीक है, और इनका इंटरव्यू में और क्या क्या होता है। अगर आप इंटरव्यू दे चुके हैं, ठीक है, और वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना, तो मेरा आप टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिए इंजीनियरिंग तक, वहाँ मिल जाएगा, आप स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर में, तो वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा, आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो मैं आपको टाइम दूंगा और आप शेयर कर सकते हैं। ये शेयर करने से क्या होता है कि देखिए आपके जो आने वाले जो और कैंडिडेट हैं उन्हें हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। इनसे मैंने पूछा कि भाई कोई डराया था आपको हाई वाटर बोर्ड के लेके कि भाई ऐसे ऐसे, बोला आपको समवन कैंडिडेट आल्सो आर देयर जो वो डराना चाह रहे थे, बता रहे थे नहीं यार बहुत ही टफ इंटरव्यू होता, हाँ ऑफकोर्स देयर इज ए टफ इंटरव्यू, बट इतना नहीं कि आपका प्रिपरेशन अच्छी है, जैसे इनकी प्रिपरेशन बताएं कि 1.5 साल मैंने खुद पढ़ा, कोचिंग पढ़ा, बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन किए थे, ठीक है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बी कॉन्फिडेंट, बहुत ही अच्छे होंगे, ओके, बिलीव मी, ओके। सो फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप यू विल एंजॉय एंड यू विल डेफिनेटली लर्न न्यू थिंग्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।